मित्रों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों आज हम लोग बात करेंगे 2 जुलाई के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग के। विक्रम संवत 2075 मास चल रहा है आषाढ़ का, तिथि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, सोमवार का दिन है, नक्षत्र है धनिष्ठा, योग है प्रीति और करण है बव। ये तो बात रही पंचांग की, अब चर्चा राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज कानूनी मामलों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वाद विवाद किसी भी तरीके का आप ना बढ़ाएं। गरीब व्यक्ति को काले वस्त्र और कुछ अन्न का दान करें। क्रोध करने से आज आप बचें। महादेव शिव की पूजा आराधना आपके लिए शुभ फलित होगी। वृषभ राशि। कार्यस्थल पर लाभ और सहयोग बढ़े, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। आज की दिनचर्या में बड़े बुजुर्गों की आपको सेवा करनी चाहिए। अपने हाथ से उन्हें अगर आप दूध पिलाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। भगवान विष्णु की पूजा आराधना आपके लिए कल्याणकारी होगी। दूसरों के वाद विवाद में आप हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना करें। मिथुन राशि। आज आप प्रणय संबंध के सुख क्षणों का आनंद ले सकेंगे। शिव चालीसा और भगवान शिव का अभिषेक आपके लिए लाभकारी होगा। विरोधियों से बहस करने से आज आप बचें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा दिन है। शनि भार या स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए उत्तम होगा। जल्दीबाजी में आप कोई काम न करें। सिंह राशि। पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वातावरण रहेगा। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। संतान पर क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों से लाभ होगा तथा यात्रा प्रवास की संभावना है। पुरुष सूक्त का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। वाहन प्रयोग में बहुत सावधानी रखें। तुला राशि। प्रयास करने से आय के स्रोत और माध्यम बढ़ेंगे। भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करना, गणेश चतुर्थी का पाठ करना आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। मांसाहार के सेवन और प्रयोग से आज आप बचिए। वृश्चिक राशि। व्यापार में वृद्धि और लाभ मिलेगा। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी भी तरीके के वाद विवाद में आप न पड़े। धनुराशि। धनुराशि वाले जातक लोगों को आपको विवादों से आज दूर रहना चाहिए, अन्यथा न्यायिक समस्या वाद विवाद और बढ़ सकते हैं, गहरा सकते हैं। अपने इष्ट देवता, आराध्य देव, अपने कुल देवता को सफेद पुष्प यानी श्वेत पुष्प आज आप जरूर समर्पित करें। बड़े बुजुर्गों का आप अनादर अपमान बिल्कुल भी न करें। मकर राशि। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में आ जाएंगे, जिनसे आपको सामाजिक तथा व्यापारिक लाभ मिले, ऐसी स्थिति बनती है। सफलता हेतु हरे रंग का रुमाल अपने साथ रखें। काले रंग के वस्त्र के प्रयोग से आज आप दूर रहें। कुंभ राशि। स्वास्थ्य प्रभावित होगा। व्यापार में भी कुछ उथल पुथल की स्थिति आ सकती है, तो व्यापार में पारदर्शिता रखें। भगवान गणेश की पूजा आराधना आपके लिए भी बहुत आवश्यक है, व्यापार के देवता हैं, तो ऐसी स्थिति में गणेश चालीसा का पाठ करें और दूसरों के कार्य में आप हस्तक्षेप न करें। मीन राशि। वित्तीय लाभ या वाहन सुख मिले तथा विदेश प्रभाव कहीं रुकना हो जाए, प्रवास करना पड़ जाए, ऐसी संभावना आपके लिए बनती है। मंगल चंद्र का स्त्रोत का आप पाठ करें और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज आप भी दूर रहें। तो मित्रों ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना कि ग्रह नक्षत्र की स्थितियाँ क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के पीठ पर तिल हो तो उसका क्या फलादेश होता है। आप दर्शकों की तरफ से बार बार क्वेरी आई कि मुझे पीठ पर तिल के बारे में फलादेश क्या है वो बताइए। तो आइए हम लोग जानते हैं कि समुद्र शास्त्र में इसके बारे में क्या वर्णन मिलता है। जिस भी व्यक्ति के पीठ पर तिल होता है उन्हें मौज की जिंदगी जीना पसंद होता है, यानी वो अपनी लाइफ जो है बहुत मौज मस्ती में जीना पसंद करते हैं। ये नई नई जगहों को देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, उनको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उनका अनुभव करना चाहते हैं। अपनी इस प्रवृत्ति के चलते वे नई नई जगहों पर घूमते रहते हैं। इस स्वभाव के कारण अच्छी कमाई होने के बावजूद भी ये लोग बहुत ज़्यादा सेविंग्स यानी धन का संचय नहीं कर पाते। जो कुछ भी कमाते हैं अपने शौक को घूमने फिरने, अच्छा पहनने, अच्छा खाने के चक्कर में ये पूरी अपनी कमाई जो है खर्च कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा सेविंग्स इनके पास नहीं होती, इनकी लाइफस्टाइल वैसे बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जिन भी लोगों के पीठ पर तिल हो उनके जीवन में ये प्रभाव विशेष होते होंगे। तो मित्रों आशा करता हूँ कि जो जानकारियाँ आपको मेरे चैनल से मिलती हैं ये निश्चित ही आपको पसंद आती होंगी। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें
और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।